जय हिंद जय भारत, राम राम दोस्तों, सभी का स्वागत है। ऐसा वीडियो जो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा बेहद जरूरत है कि इस टाइप का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जरूरी जो डॉक्यूमेंट है यदि अपन भर्ती के समय यदि अपने साथ में नहीं ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। एक छोटी सी गलती अपने को एक बहुत ही बड़ा अंजाम दे सकती है। इसीलिए जो विद्यार्थी अग्निवीर जो रैली भर्ती है, इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट के छात्र है, जिन्होंने फेज वन को क्लियर करा है, उनके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। यदि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अपन बाहर हो सकते हैं। पूरा इस वीडियो के अंदर ध्यान से देखना कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है यदि आपके साथ नहीं है तो आपको बाहर कर सकते हैं। पूरा वेबसाइट के साथ भी ले चलूंगा और मेरे पास पूरा लिखित में भी पड़ा है। इसके अलावा नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा। कई सारे विद्यार्थी ये भी बोल रहे थे सर टैटू वगैरह है तो क्या होगा, तो उनके लिए भी इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे पास है कौन सा नहीं है पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा वीडियो की शुरुआत में, अपने पास फेज टू के अंदर बिल्कुल सभी को मेरी ओर से पहले बेस्ट ऑफ लक है। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा, यदि मेरी राय आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओरिजिनल अपने पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड सर ओरिजिनल कौन सा चाहिए, कलर में ले जाना कौन सा है, कलर प्रिंट हो तो बहुत अच्छी बात है, अपनी वेबसाइट से अपने को निकलाना है और वो लगभग आप कलर में निकलाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास ओरिजिनल क्या होना चाहिए भाई, एडमिट कार्ड होना चाहिए जो वेबसाइट से आना चाहिए। ठीक है सर, आधार कार्ड और अपने पास होना चाहिए पैन कार्ड। आधार कार्ड जो आईडी होती है आपकी, आधार कार्ड और पैन कार्ड, और आधार कार्ड वो होना चाहिए जहां आपका मोबाइल जो नंबर होता है, मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए इससे लिंक होना चाहिए, ताकि आपके मेल पर क्या आ सके भाई, अपने मेल पर कोई मैसेज वगैरह भी आ सके ना, मेल अपने तक पहुंच सके। तो आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है, वो आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए, दो नंबर डॉक्यूमेंट। नंबर तीन सर जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास बनाया तो भी चलेगा, यदि नहीं है तो आपके पास 10th क्लास की जो मार्कशीट होगी है ना, उसके अंदर आपकी क्या होनी चाहिए सर, DOB। अब सर कुछ लोग बोलते हैं जो ट्रेडमैन के छात्र है उनके लिए यहां पर भाई मान लो 10th सर है नहीं, मेरे 8th वाला भरा हुआ है, तो भैया 8th क्लास की TC वगैरह चाहिए, और आपको बिल्कुल 8th क्लास की मार्कशीट भी चाहिए, और इसके स्पेशली DOB सर्टिफिकेट भी आपको जरूरी है चाहिए, वो भी है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला सर, पासपोर्ट साइज फोटो कितनी चाहिए, कम से कम 20 फोटो आपके पास होनी चाहिए, इसमें सफेद बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले आपके पास प्रमाण पत्र कौन कौन से हैं, आपके पास 10th से भरा तो 10th का चाहिए, 10th से 8th का है तो वो चाहिए भाई, 12th का तो वो चाहिए, और फाइनल से भरा तो फाइनल वाला चाहिए, और साथ में 8th वाला स्पेशली साथ में क्या ले जाएगा, 8th वाला साथ में याद रखना है TC प्रमाण पत्र ले जाना, नहीं तो आप बाहर हो सकते हो। ठीक है ना, छोटी सी भूल आपके लिए बड़ी हो सकती है ना। और जिन्होंने NIOS बोर्ड से भी करा है तो वो अपनी 8th क्लास की मार्कशीट साथ ले जाए, ऐसे उसको नहीं लगे कि ये दोबारा 10वीं पढ़ के आया है या किसी कारण से वो ये दोबारा आ रहा है। अगला है मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपको जरूरी चाहिए, वो चाहिए, और ये मूल निवास है ये 6 माह से ज्यादा पुराना, 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये गलती एक छोटी सी आपके लिए बड़ी हो सकती है, गलती किसी को नहीं करना है। नेक्स्ट देखिएगा सर, हमारे पास जाति प्रमाण पत्र, कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कास्ट में सर्टिफिकेट दो टाइप के बनते हैं, एक तो बनता है सर सेंटर वाला बनता है, और एक यहां पर बनता है स्टेट का बनता है, तो आपके पास दोनों है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 6 माह से ज्यादा पुराना ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा देखो भाई, स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र की यदि मैं बात करूं तो स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए भाई, ध्यान रखना स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए, सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, और साथ में पार्षद का हो तो वो चलेगा। इसके अलावा अविवाहित प्रमाण पत्र की बात कर रहे, ध्यान दीजिएगा अविवाहित प्रमाण पत्र, सर अविवाहित प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सरपंच का भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ में अविवाहित प्रमाण पत्र भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको जरूरी चाहिए, पुलिस का चरित्र, पुलिस वेरिफिकेशन आपके होना चाहिए भाई, लाडलो ध्यान दीजिएगा। रिलेशन सर्टिफिकेट, यदि किसी के पास रिलेशन है तो वो रिलेशन का सर्टिफिकेट अपने साथ ले जाए तो उसको कहीं फायदा मिलेगा।
एनसीसी वाला विद्यार्थी है जिसने ए कर रखा है, ए ले जाए, बी कर रखा है, बी ले जाए, सी कर रखा है, तीनों ले जाए साथ में, जो भी आपको मिला है लाड़ लो। इसके अलावा स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र है वो भी आपको ले जाना है, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो आपके पास नेशनल का है, चाहे वो स्टेट का है, चाहे वो कहीं का भी है। और साथ में आरडी परेड वाले वो अपना वो भी ले जाए भाई, आरडी परेड में शामिल आप हो रखे हो तो होना चाहिए प्रूफ आपके पास। एफिडेविट, देखो एफिडेविट और नो क्लेम सर्टिफिकेट, ये दोनों के दोनों आपको इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वहां से मिलेगा, मैं बताऊंगा अभी कैसे उसको भी वहां से लेना है। इसके अलावा लाइसेंस है, यदि आपके पास आपने जीडी में ड्राइवर से कुछ लगाया है तो लाइसेंस साथ में ले जाना है। फिर वैक्सीनेशन यदि अपने हो रखा है तो वो भी अपने पास मेल वाला मैसेज है, उसकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। कोविड 19 है ना, दोनों डोज आपने लगाए या तीनों डोज आपने लगाए तो वो भी अपने पास होना चाहिए। ठीक है भाई, ये तो थे मूल मूल अपने डॉक्यूमेंट। मैंने कहा कि जिसने 8th क्लास करी है वो बेटा मार्कशीट जरूर ले जाए अपनी। बैकग्राउंड ध्यान रखना, फोटो का व्हाइट होना चाहिए, दाढ़ी बनी हुई होनी चाहिए बहुत गजब तरीके से, साइड के बाल है वो पूरे कटे होने चाहिए, चाहे आपके जननांग की साइड के बाल हो, चाहे आपके खाक के बाल हो, चाहे दाढ़ी हो, हर कटिंग बिल्कुल बहुत गजब तरीके से सेविंग बनी होनी चाहिए ना, बहुत ही बढ़िया लगना चाहिए, लोंडा एक नंबर लगना चाहिए कि भाई यहाँ देखते कि यार तू तो फिट है डायरेक्ट, है ना। कभी कभार तो फौज में क्या कि फौजी आदमी उसको उसकी बॉडी बनी होती है ना, उसको देख के बोलता है यार बहुत गजब बंदा है, फिट है बेंच, कोई दिक्कत नहीं है ना, और गाली भी कहता है बेंचो फिट है ना, ऐसे गाली निकाल के बोलता है। तो चिंता नहीं करना है, बढ़िया तरीके से लोंडा बन के जाना है और बढ़िया तरीके से रनिंग मारनी है वहां, एक्सलेंट ठोकना, क्या करना है, एक्सलेंट ठोकना इस बार। अब ये तो हो गई सर बात यहां तक की, अब मैं बात करूं आपके सामने, सर कहां क्या बात करोगे, अब देखो बेटा, अब थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा वहां भी आप फोकस करिएगा। देखो बेटा, अब मैं आपको वेबसाइट पर ले चलता हूं ना, वेबसाइट पर यदि अपन जाए, यदि अपन वेबसाइट पर जाए बेटा एक मिनट के लिए, यदि अपन वेबसाइट पर जाए बेटा तो देखो क्या होता है, वह वेबसाइट पर क्या मामला है। देखो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अपने को पूरा डाटा चेक कर लेना है, मैं पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अपने को वो कहां मिलेगा। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपको जाके पूरा चेक करना है कि कहीं भी अपनी गलती है वो अपने से नहीं हो जाए, और वो गलती यदि आपने कर दी तो बेटा कहीं ना कहीं आप वहां उस समय भर्ती से बाहर भी हो सकते हो। देखो भाई यहां पर अग्निपथ में जैसे ही आप आओगे, अग्निपथ में आप जैसे ही आओगे तो बेटा आपके सामने कुछ ऐसे क्राइटेरिया आपको दिखेंगे ना, अग्निपथ में जैसे ही आओगे रैली प्रोग्राम के अंदर मान लो, या रैली नोटिफिकेशन में, देखो बेटा क्लिक कर रहा हूं मैं, खुल जाइए यहां, हाँ देखो ये देखो, जैसे ही हमारे पास अग्निपथ में यहां जाएंगे तो देखो यहां लिखा हुआ अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा बहुत ही जबरदस्त है लाइन, और यहां आपको हर डिटेल मिलेगी, यहां आपको हर डिटेल मिलेगी, थोड़ा सा इस वीडियो को देखना, मैं कह रहा हूं गलती मत कर देना बेटा, अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन याद रखना भैया, ये नोटिफिकेशन पढ़ के जाना, है ना, मैंने बताया वो तो देख लेना, नोटिफिकेशन पूरा पढ़ के जाना, है ना, कहीं मेरी बात भी मत मानना, लेकिन नोटिफिकेशन में जो लिखा है वो आपको मानना ही पड़ेगा, है ना, वो होना चाहिए, फिर कल को बोलोगे सर वो बताया नहीं था। बेटा देखो आपके सामने ये नोटिफिकेशन अभी खुलेगा, ठीक है, अब देखो इस नोटिफिकेशन को देखकर आपको कहीं, देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन, कोई भी विद्यार्थी जब रैली में आता है तो यह नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़कर वो विद्यार्थी वहां आए। देखो भाई इसमें पूरा का पूरा प्रोफॉर्मा दे रखा है, अब मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थी को क्या क्या उसमें चाहिए, क्या क्या उसमें चाहिए। सबसे पहले अपन डॉक्यूमेंट की ही बात करेंगे, इसके अलावा फालतू की बातें अपन इसमें नहीं करेंगे। सर क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है वो अपने को बता दीजिएगा। चलिए भाई अब हमारे पास कुछ विशेष बातें हैं, वो उन्हीं को ही ध्यान रखते हुए चलना है अपने को। ये सेवानिधि का आरका है और ये रजिस्ट्रेशन का आ गया बेटा, एक मिनट के लिए पूरा आप बने रहिएगा। अब कोई ऐसे बोलेगा सर मेरे को दौड़ में कहां कहां क्या क्या मिलेगा, तो बेटा दौड़ में आप पहले देख लो,
ग्रुप नंबर एक ग्रुप नंबर दो 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर आएगा ना। जो लोग बोल रहे थे ना सर फौज में टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन में दे रखा है बेटा, लगभग उसको टाइम है ना, लगभग वो टाइम आपको मिल जाएगा, चिंता ना करें। ग्रुप नंबर एक के अंदर 5 मिनट 30 सेकंड तक आप आते हो तो 60 नंबर मिलते हैं, और पुलअप सीधी 10 मारते हो तो पूरे 40 नंबर मिलते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा 100 नंबर पूरा हो जाता है, 100 नंबर कितना हो जाता है, पूरा हो जाता है। जबकि 5 मिनट 31 से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक आते हो आप तो आपको 48 नंबर मिलते हैं। बीम यदि 9 लगाते हो 33 मिलते हैं, 8 लगाते हो 27 मिलते हैं, 7 लगाते हो 21 मिलते हैं, और 6 बीम में 16। देखो 6 बीम में केवल और पासिंग मार्क्स और 16 नंबर मिलेंगे, 7 वाले को 21, 8 वाले को 27, 9 वाले को 33, है ना। कहीं गलती मत करना, पूरी की पूरी मारनी है, पूरी की पूरी मारनी है, जी जान लगा देना सही तरीके से, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगला देखो, अब देखो मेडिकल टेस्ट है भाई आपके सामने, मेडिकल वाला भी थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, मेडिकल का भी ध्यान रखना। अब देखो कैंडिडेट एजुकेशन सर्टिफिकेट, देखो कौन कौन से अपने पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, अभी एक बार इसको देख लो बेटा। देखो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला देखो स्पष्ट लिखा हुआ है यहां पर, और वो पूरा पूरा अपन पढ़ेंगे। जैसे ही आप पेपर को पास कर लिया भाई आपने, तो पहला डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड, प्रिंटेड और लेजर प्रिंटेड, गुड क्वालिटी पेपर लिखा हुआ है, गुड क्वालिटी का पेपर आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड। नंबर दो फोटोग्राफ्स, ये रहा फोटोग्राफ्स, 20 फोटोकॉपीज, है ना याद रखना, अनअटेस्टेड याद रखना, पासपोर्ट साइज, कलर फोटोग्राफ्स डेवलप्ड ऑन गुड क्वालिटी फोटोग्राफ्स, है ना ध्यान रखना, व्हाइट बैकग्राउंड, नॉट मोर देन 3 मंथ्स, है ना 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना बहुत। अब देखो यहां लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखा नोट बी एक्सेप्टेड यहां लिखा हुआ है ना, यदि कोई भी फोटोग्राफ्स मस्ट बी विल प्रॉपर हेयर कट, है ना, और क्लीन शेव होना चाहिए, उस फोटो में क्लीन शेविंग है बिल्कुल दिखनी चाहिए साफ साफ, ये नहीं कि दाढ़ी बदी हुई है, बाल बहुत है ना, बाल भी बहुत ज्यादा बदे हुए हैं, है ना ज्यादा लंबे हैं, है ना बदे हुए, हमारी भाषा है जी, तो थोड़ा सा वहां ध्यान रखना बेटा, ऐसा है तो गड़बड़ हो सकती है ना, वहां थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना, ऐसे तो बाहर नहीं निकालते हैं। फिर देखो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास सही है भाई, जो भी आपके पास आपने कर रखा है 10th 12th 8th जो भी है आपके बोर्ड का सर्टिफिकेट। अब देखो जो एनआईओ से कर रखे बेटा, मार्कशीट ले जाना साथ में, और अपना टीसी का प्रमाण पत्र ले जाना, है ना प्रोविजनल ले जाना, है ना कैंडिडेट मैट्रिक्स वाला ले जाना बेटा, है ना जिसमें डीओबी वगैरह हो, ठीक है याद रखना। अब देखो डोमिसियल सर्टिफिकेट साफ लिखा, डोमिसियल मूल निवास प्रमाण पत्र, अभी देखो डॉक्यूमेंट खूब सारे है सर, ये प्रमाण पत्र कौन सा है तो देख लीजिएगा भाई, ये यहां पर मूल निवास है, कौन सा है भाई मूल निवास सर्टिफिकेट, है ना मूल निवास है अपना। इसके बाद में देखो यहां लिखा हुआ कास्ट का सर्टिफिकेट, कौन सा है भाई कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा रिलीजन, है ना जो आपका धर्म है, सिख है हिंदू है मुस्लिम है, कौन सा है क्रिश्चियन है, कौन सा है जो भी है वो आपका, ये भी होना चाहिए सर्टिफिकेट आपका। इसके अलावा स्कूल का चरित्र, देखो स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है ना, हाँ ध्यान रखना स्कूल के अलावा यार आ, देखो इसके अलावा और भी कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होने चाहिए जो 6 महीने से ज्यादा, देखो 6 मंथ से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, स्पष्ट लिखा हुआ इश्यू कर। अनमेरिड सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी, अनमेरिड सर्टिफिकेट लिखा हुआ है आपके गांव के सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ, है ना लास्ट के 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। शादी वाले कई सारे छोरे शादी हो रखी है फिर भी बेटा हाँ वो जा रहे हैं ना, फिर भी उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है। ये देखो रिलेशन सर्टिफिकेट ध्यान रखना, रिलेशन वाले ध्यान रखना, SOS SOEX SOW, है ना ये सर्टिफिकेट अपना ले जाना बेटा साथ में, रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट ले जाना। फिर देखो डिक्लेरेशन लिखा हुआ है एक विशेष, वो भी आपको निकाल के ले जाना, रिलेशन वालों के लिए स्पेशल है ये, है ना। ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक है ना उसके पापा की, है ना वो साथ में भाई का किसका जोड़ रहा है तो वो भी साथ में ले जाएगा बेटा, है ना। इसके अलावा एनसीसी सर्टिफिकेट एबीसी तीनों, है ना रिपब्लिक डे परेड है ना आरडी परेड जिसको बोलते हैं वो यदि बंदा साथ में ले जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है ना। आरडी परेड वाले बता रहा हूं भाई ध्यान से देख लेना, आरडी परेड वाले एनसीसी वाले छात्र सर्टिफिकेट अपना साथ ले जाना, गलती मत कर देना, यदि नहीं जुड़ा हुआ तो जुड़ सकता है भाई, किसी का चांस बन जाए भगवान की दया से उसका नंबर भी आ जाए ना, तो ध्यान रखना बेटा। स्पोर्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखना, स्पोर्ट सर्टिफिकेट है चाहे वो कोई से भी नेशनल लेवल का है, लास्ट 2 ईयर से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ना, जो इंडियन आर्मी की साइड पर उसका इनविटेशन भी दे रखा है, उसका स्टैंडर्ड भी दे रखा है, वो एक परफॉर्म होता है वो उसको भर के ले जाना है साथ में बेटा। इसके अलावा स्पोर्ट्स मैन है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, यूनिवर्सिटी का है, है ना हर लेवल का है, देखो उस 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए लेकिन वो उसके वेबसाइट के अंदर दे रखा है। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स है ना आपके सामने अपेंडिक्स सी दे रखा है नीचे,
इसके अंदर बताऊंगा मैं वो कहां है ना, वो आपको एफिडेविट बेटा, ये एफिडेविट है ना लिखा, सभी के दिमाग में चल रहा सर एफिडेविट क्या है बेटा, ये एफिडेविट कहां मिलेगा, यही मिलेगा इसे साइड के जस्ट नीचे मिलेगा ना, साइड के नीचे लिखा मिलेगा ना, ये भी आपको बता दूंगा। आगे देखो, सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट है अपने पास अलग से, देखो ये स्पेशल लिखा हुआ है एनसीसी का, स्पोर्ट्स का है ना, रिलेशन का जो भी है, तो उसको भरना है परफॉर्मे को। सिंगल बैंक ये तो चलो उसका नहीं है, आधार कार्ड वगैरह ये तो है ही है, ठीक है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट साफ लिखा हुआ है, सरपंच नगर सेवक ये आपका सर्टिफिकेट जरूरी है, ठीक है। अभी बोनस मार्क्स जिसको मिल रहे हैं किसको कितने मिलेंगे या रहेगा, देखो साफ लिखा 20 नंबर मिलेंगे रिलेशन वाले को, स्पोर्ट्स वाले को 20 मिलेंगे, और अदर रिलेशन है कोई है ना तो उसको देखो जूनियर नेशनल का 15 नंबर के ना, इसके अलग अलग नंबर है बेटा। या देखो कुछ स्पेशल और भी है, कॉलेज का तो 10 नंबर मिल रहा है, फिर इसके अलावा देखो स्टेट नेशनल लेवल है, खेलो इंडिया गेम्स वगैरह में है तो 10 नंबर मिलेगा है ना। इसके अलावा रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल हैव वोन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट ऑफ हर एज्ड अप टू द फोर्थ पर्सन इन टीम इवेंट में 5 नंबर मिलेंगे बेटा। देखो ये रहा रिप्रेजेंटेड एंड द स्टेट स्कूल टीम से जा रहा है तो भी नंबर मिलेंगे बेटा। पूरा बायोडाटा मैंने पढ़ के बताया है, ध्यान रखना कोई नहीं बताता है ना, बस वीडियो बना के फिर ये कौन से चाहिए डॉक्यूमेंट वो चाहिए बेटा, पूरी डिटेल एक एक विद्यार्थी तक पूरी सूचना पहुंचनी चाहिए कि छोटी छोटी बातें कहीं मोटा काम कर सकती है। एनसीसी ए है तो भाई 5 है, बी है तो 10 है, और सी है तो ये पहले था ना एग्जाम, अभी नंबर मिलेंगे उसके बेटा ना, 15 नंबर मिलेंगे एनसीसी सी वाले का, ठीक है। ये रहा अगली बार अग्निवीर के अंदर ऑल लेवल का है ना, एसकेटी कलर लिखा हुआ ना, कलर का एसकेटी हैविंग ऑल लेवल कोर्स सर्टिफिकेट खड़ा हुआ है, उसके भी अलग अलग नंबर है। फिर देखो आईटीआई में 30 40 और 50 नंबर तक का बोनस मार्क टेक्निकल वालों को मिलेगा। अब देखो सर ये तो हो गया हमारा, अब देखो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इनमें एक विशेष छोटी छोटी बातें, अब की बार एज का क्राइटेरिया यहां से लिया गया था, अक्टूबर से लिया गया, नेक्स्ट भर्ती में पता नहीं कहां से लेंगे। अब देखो ये आदिवासियों के लिए, ये स्पेशल आदिवासियों वालों के लिए है ना, और 8th क्लास पास कैंडिडेट देखो लिखा हुआ है, ये रहा ट्रांसफर सर्टिफिकेट इश्यू स्कूल बोर्ड सर्टिफिकेट शुड बी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर है ना, स्कूल है ना, जो भी है पूरी बातें आपको ध्यान रखने देते हुए चलनी है और ये ले जाना, चिंता ना करनी है ना। हाँ इसके अलावा देखो सील वगैरह ध्यान रखना इनकी स्पेशल है ना, करेक्टर सर्टिफिकेट में फोटो अटेस्टेड बाय सर्टिफिकेट ऑथोरिटी विल बी, जो भी रिजेक्ट यदि ये सर्टिफिकेट है भाई आपका अटेस्टेड नहीं है तो देखो गड़बड़ हो सकती है चरित्र वाले में। कैंडिडेट कम टू रैली ऑन द डेट एज पर एडमिट कार्ड, ध्यान रखना शुड बी ब्रिंग पेन, ठीक है भाई। अब देखो टैटू, ये देखो टैटू वालों के लिए, टैटू किन के लिए चल सकता है, जो टैटू से वाले जो एरिया है वो एरिया है वो केवल वही इसमें क्या कर सकते हैं एलिजिबल है, उनके कितने टैटू हो सकते हैं वो इसमें उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। टैटू वाले को क्या भरना पड़ेगा, टैटू वाले विद्यार्थियों को फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो उस हिल्स एरिया में जिस एरिया में टैटू के लिए मान्यता दी गई है ना, कैंडिडेट बिलोंग्ड ट्राइबल है ना, आदिवासी जो आदिवासी है ना, आदिवासी आदिवासी जो इलाके से निवास करता है उसके पास उसका सर्टिफिकेट है तो उसको छूट दी गई है, वो टैटू आ सकता है। सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ है ना साइंड बाय द कैंडिडेट अटेस्टेड, उसमें होना चाहिए इसमें लिखा हुआ, ये भर के उसको लेना पड़ेगा। सर वो भर के कहां से देना पड़ेगा, अभी इसके नीचे देखो ये डॉक्यूमेंट दे रखा है ना, मोबाइल नहीं चलेगा भाई बिल्कुल भी ना। इसके अलावा आपका सिलेक्शन होने के बाद वो फाइनल रूप से टेंटेटिव में शामिल है ना। अब देखो लास्ट में आपके सामने वैक्सीनेशन, देखो लिखा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, ये भी आपको चाहिए लेकिन फाइनल में चाहिए, अभी फिलहाल ट्रेनिंग में नहीं चलेगा है ना, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई सर ये था, अब देखो अब आपके सामने जो परफॉर्मा है वो भर के ले जाना, वो क्या भर के ले जाना वो देखो, ये देखो ये रहा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 10 रुपए वाला है, ठीक है बेटा ये ध्यान रखना, ये ले जाना पड़ेगा, ठीक है। जिनके फादर वगैरह रिलेशन बना हुआ है ना उनको ले जाना बेटा, ठीक है, फादर रिलेशन वाले को बनाना है, ठीक है। ये एक फॉर्म निकलेगा अंदर से, ठीक है। इसके अलावा देखो एक आपका एफिडेविट आएगा, देखो ये रहा टैटू वालों को ये भर के ले जाना पड़ेगा, टैटू लिखा हुआ है बॉडी टैटू सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है ना, तो ध्यान रखना टैटू वालों को लिए भर के ले जाना पड़ेगा। ये भी टैटू वालों के लिए ही है, तो ये था परफॉर्मा, और एफिडेविट भी यही है इसके अंदर ना, ये आपको मिल जाएगा एफिडेविट, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट है ना, ये थे हमारे क्या जरूरी सर डॉक्यूमेंट, और
किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रखना है, और हमारी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से बेस्ट ऑफ लक, है ना। और आपके भाई है ना, आपके भाई है, कोई तैयारी कर रहे हैं, नई तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा आप आज ही, ये फेज नंबर दो के लिए है आपको ना, सेकंड फेज के लिए। यदि जिसको तैयारी करनी है नया बैचों की, तो वो लक्ष्य आर्मी एप्लीकेशन को डाउनलोड करे बेटा, लक्ष्य आर्मी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। हमारी पूरी टीम बहुत ही गजब वर्क कर रही है, बहुत ही शानदार वर्क कर रही है, और अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए गए हैं 9982142861 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।